सो हे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज कहना चाहूंगा। तो बहुत सारे लोग रिसेंटली मुझे क्यू एन ए के लिए कह रहे थे कि मुझे क्यू एन ए करना चाहिए अपने चैनल के ऊपर। तो फाइनली अब मैं फर्स्ट मे को क्यू एन ए करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग को मुझसे रिलेटेड या फिर एनिमे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में जाके आज सैम और उसके बगल में अपना क्वेश्चन लिख देना। और इसके अलावा मैं आप लोग को एक चीज पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग मेरा नाम और मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ और मेरी कितनी एज है, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछना। अगर ये सारे क्वेश्चन पूछोगे तो बहुत सारे लोग इसी चीज को लेकर स्पैम करने लगते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कुछ फनी क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करना। इसके अलावा मुझे अपने बारे में जितनी चीजें रिवील करनी होगी मैं आप लोगों को क्यू एन ए वीडियो में रिवील कर दूंगा। और अब चलो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है इसलिए अब इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सुसुमी मूवी के बारे में, जिसको माकुरो शिंकाई ने लेकर कुछ चीजें रिवील की है। जैसे कि ये मूवी ओरिजिनली पहले लेस्बियन रोमांस के ऊपर होने वाली थी, मतलब लड़की लड़की के बीच में प्यार होता है इस मूवी में। और जो अभी हम लोगों को लड़का लड़की के बीच में रोमांस देखने को मिल रहा है इस मूवी के अंदर, वैसा देखने को नहीं मिलता है। और थैंक गॉड ऐसा हम लोग को देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं शायद सुसुमी को अपनी वाइफ लिस्ट से निकाल देता। लेकिन अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। इसके अलावा हम लोग सुसुमी के नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो सुसुमी मूवी का फर्स्ट वीक का कलेक्शन जो है बाहर निकल के आ चुका है, जिसमें फर्स्ट वीक में इंडिया में किस एनिमे मूवी ने सबसे ज्यादा कमाया है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। जैसे कि जेजेके जीरो की मूवी ने 8.5 करोड़ तक कलेक्शन किया था अपने फर्स्ट वीक में। इसके अलावा डेमन स्लेयर स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क ने अपने फर्स्ट वीक में 6 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके अलावा हम लोग बात करें अब सुसुमी मूवी के बारे में, जिसने 5.6 करोड़ का कलेक्शन किया है अपने फर्स्ट वीक में। और सच बताऊं तो देख के थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मतलब ये मूवी काफी अच्छी है बट फिर भी ये डीमन स्लेयर जैसी मूवी को भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। इवन मैं डीमन स्लेयर की मूवी को मूवी भी नहीं कहूंगा, बट स्टिल डीमन स्लेयर और जेजेके जीरो की जो मूवी है वो अभी टॉप पे चल रही है। लेकिन अब बस होप करता हूँ कि सुसुमी मूवी भी 10 करोड़ का कलेक्शन करे इंडिया में। इसके अलावा आप लोग सुसुमी मूवी को देखने नहीं जा पा रहे हो क्योंकि उसके टिकट के प्राइस ज्यादा है, तो मैं आप लोग बता दूं कि सुसुमी मूवी के टिकट के प्राइस अब और कम हो चुके हैं। लिटरली आप लोग को यकीन नहीं होगा बट सुसुमी मूवी के प्राइस जो है वो अब क्रंचीरोल के सब्सक्रिप्शन जितने हो चुके हैं, क्योंकि सिनेपोलिस ने सुसुमी मूवी के टिकट के प्राइस जो है 199 रुपीज कर दिए हैं। और ये लोग यहाँ पे सुसुमी की हिंदी डब मूवी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी हिंदी डब मूवी के टिकट जो है वो 99 रुपीज के हो चुके हैं। इसके अलावा मुझे ये तो अच्छे से नहीं पता है कि कहाँ कहाँ के टिकट प्राइस कम हुए हैं, बट आप लोग चाहो तो बुक माई शो पे चेक कर सकते हो कि आपके नजदीकी पीवीआर में इसके प्राइस कम हुए हैं कि नहीं। अगर आपके नजदीकी पीवीआर में प्राइस कम हो चुके हैं सुसुमी मूवी के तो आप लोग जाके इस मूवी को जरूर सपोर्ट करना। इसके अलावा हम लोग माकुरो शिंकाई के मूवीज के बारे में इतना बात कर ही रहे हैं तो योर नेम मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक इंस्टाग्राम यूजर ने पीवीआर से पूछा था कि क्या हम लोगों को कभी योर नेम मूवी थिएटर्स में देखने को मिलेगी कि नहीं। इसमें पीवीआर का जवाब था स्टे ट्यून, मतलब पीवीआर इस मूवी को लाएंगे ऐसा आप लोग कह सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पीवीआर कभी भी डायरेक्ट जवाब नहीं देते हैं किसी को भी कि वो इस मूवी को लाने वाले हैं, वो बस इसी तरीके से जवाब देते हैं। तो एक तरह से हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये मूवी हम लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी हिंदी डब की न्यूज निकल के आ चुकी थी कि पीवीआर इसकी हिंदी डबिंग कर रहे हैं, इसलिए अब बहुत ज्यादा चांसेस हो चुके हैं कि अब हम लोग को योर नेम की मूवी भी पीवीआर में देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं पीवीआर हम एनिमे फैंस के लिए कौन कौन से एनिमे मूवीज लाते हैं फ्यूचर में। एंड इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो रुकुडोस बैड गर्ल का जो एनिमे है वो म्यूज इंडिया और म्यूज एशिया चैनल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है, तो आप लोग चाहो तो अभी इस एनिमे को जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके अलावा अब हम लोग बात करें अब कुछ क्रंचीरोल इंडिया के अपडेट्स के बारे में, तो क्रंचीरोल के ऊपर मोबाइल सूट गंडम कुक्रूज डोनंस आइलैंड का जो एनिमे है वो स्ट्रीम हो रहा है सब और डब में। हालांकि मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया होगा तो मुझे माफ कर देना, बट इसके अलावा भी कुछ और एनिमेज है जो की अब आप लोग क्रंचीरोल के ऊपर फ्री में देख सकते हो। जैसे की आप लोग असैसिन क्लासरूम का सीजन 1 और 2 देख सकते हो इंग्लिश डब में, और साथ ही ब्लू लॉक का सीजन 1 भी आप लोग अब इंग्लिश डब में देख सकते हो, साथ ही माहिरो एकेडमी का भी सीजन 1 से लेकर 6 तक देख सकते हो, और लास्ट गॉब्लिन स्लेयर का एनिमे आप लोग देख सकते हो इंग्लिश डब में, वो भी फ्री में क्रंचीरोल के ऊपर। और इसके अलावा भी कुछ हिंदी डब एनिमेज भी हैं, जैसे फायर फोर्स का सीजन 1 और 2 और टॉयलेट बॉन्ड हनाका कुन का एनिमे का सीजन 1, और इन दोनों एनिमेज को आप लोग अब हिंदी डब में फ्री में देख सकते हो क्रंचीरोल के ऊपर। तो एक बार जाके जरूर से क्रंचीरोल की ऐप को चेकआउट कर लेना। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अब सोनिए के बारे में, जिसको लेकर अभी कुछ बड़ा अपडेट तो आया नहीं है, बट सोनिए की तरफ से हम लोग को एक पोस्ट देखने को मिला है जिसमें सोनिए यही कह रहे हैं कि इंतजार अब खत्म हुआ और वो कुछ बड़ा सरप्राइज लाने वाले हैं इस समर को। और वो कौन सा सरप्राइज होगा ये तो किसी को पता नहीं है, शायद हो सकता है कि वो लोग नरूटो का नया प्रोमो ही ले आए, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और अभी तक नरूटो टीवी के ऊपर स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काफी सारे फैंस इरिटेट हो चुके हैं सोनिए से। लेकिन बस होप करते हैं कि सोनिए नरूटो को जल्द से जल्द टीवी पर ले आए। बट इसके अलावा हम लोग बात करें अब ईटीवी बाल भारत के अपडेट के बारे में, तो फाइनली ईटीवी बाल भारत ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो डिटेक्टिव कोनन की सीरीज लाने वाले हैं बहुत जल्द। और अभी कितनी जल्दी आएगा वो तो ईटीवी बाल भारत को ही पता होगा, बट ये हम लोग को पहले से पता था कि ये आने वाला है ईटीवी बाल भारत पर, इसलिए बहुत सारे लोग इसकी रिलीज डेट जानना चाहेंगे कि ये कब हम लोग को देखने को मिलेगा। तो सच बताऊं तो कोई भी चैनल जब भी अपने शो को अनाउंस करता है तो उसकी वो रिलीज डेट जो है वो 1 महीने के अंदर ही बता देते हैं, इसलिए शायद हम लोग गेस कर सकते हैं कि डिटेक्टिव कोनन की सीरीज जो है वो हम लोग को नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाए। लेकिन अब आप लोग डिटेक्टिव कोनन की सीरीज के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। इसके अलावा कुछ कार्टून नेटवर्क इंडिया के अपडेट्स के बारे में बात करें, तो कार्टून नेटवर्क के ऊपर आज आप लोगों को ड्रैगन बॉल जी कूलर रिवेंज की मूवी देखने को मिलेगी दिन के 1 बजे। तो अगर आप लोग की मूवी मिस हो गई थी तो आप लोग आज इसे दिन के 1 बजे देख सकते हो। इसके अलावा कार्टून नेटवर्क के ऊपर आप लोगों को कल ड्रैगन बॉल जी का भी देखने को मिलेगा दिन के 1 बजे। तो कल आप लोग ड्रैगन बॉल जी का एक एपिसोड को भी देख
देख के इंजॉय कर लेना। बट इसके अलावा भी कार्टून नेटवर्क की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि ड्रैगन बॉल जी की आप लोगों को कुछ और न्यू मूवीज देखने को मिल सकती है कार्टून नेटवर्क पर, और ये अपडेट ड्रैगन बॉल जी के न्यू मूवी को लेकर ही है, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी की न्यू मूवी का प्रोमो जो है वो कार्टून नेटवर्क के ऊपर आ चुका है। और इस बार हम लोगों को 7 मई को देखने को मिलने वाली है ड्रैगन बॉल सुपर एंड्रॉइड 13 की मूवी, जो कि आप लोगों को वही संडे को दिन के 12:15 पे देखने को मिलेगी। जिसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर शेयर कर देना, और ये भी बता देना कि आप लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। इसके अलावा बस आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से जाके अपने क्वेश्चंस कमेंट में जाके पूछ लेना, और साथ ही इस वीडियो को भी जाके लाइक कर देना और चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अब मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।